gonna react on Leo coffee shop fight scene. So finally on the fight scene of Thalapathy Vijay, and I'm literally excited like anything. So before I start, hello and I'm Monali Naika. Welcome to my channel Nakrewali Mona. And if you haven't subscribed to me yet, then what will happen? So please do subscribe my channel. So let's go. ये आप पहुंच गए यार इनके कॉफी शॉप में. इसको छोड़ दे यार, वो बहुत खतरनाक विलन है. इसके दिमाग में अबे ये फिर कर लेंगे, देख कोई कान ना कर दे. देखो भाई, मेरे पास जितना पैसा था मैं सब लिया है. तुम्हें और पैसा चाहिए तो बताओ, मैं दे दूंगा. लेकिन इसको जाने दो प्लीज. उसको चॉकलेट कॉफी चाहिए ही है फिर. यही रहना बेटा, जब तक मैं ना कहूँ. ओह माय गॉड, इसकी बेटी भी एक तो यहाँ पे. क्या करेगा यार ये? यार वो लड़की जा, वो बोल भी रहा था जाओ. बाकी सब निकल गए क्या? सीसीटीवी के लिए वो लोग सीसीटीवी के लिए गए राइट? ये कैसा खतरनाक है. नजर भी गंदी है इसकी. ये चाहिए
नंबर. बेचारी भाग जाता वहां से तो शायद बच जाता. इन्होंने गलत तरीका अपनाया. अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी फैमिली के साथ. अच्छा पुलिस आ जाती है.
यस यस पुलिस आके फिर केस वगैरह एंड एवरीथिंग. जैसा तो नहीं लग रहा, नो फिजिकल इंजरीज बट पीटीएसडी का साइन लगता है कि ये बच्ची बड़ी घबराई है, एंग्जायटी तो रहेगी बेचारी. घबराने की कोई बात नहीं, आई विल गिव अस सम मेडिसिन. आप इस बच्ची का ध्यान रखिएगा. ओके ओके पार्थिवन, पार्थिवन जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं. अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता. देखो हम कोर्ट में लड़ सकते हैं, मैं हूं ना कोर्ट से रिहा होने तक मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी. फिक्र मत करो मैं सब संभालूंगी. कैसे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. कितना सडन था ना सारी चीजें. देखा कि वो चिंटू के पास जा रहा है और फिर कोई ज्यादा कैसा सर दो बार वेट नहीं कर सकता. मानना पड़ेगा. सुअरों के बीच में पीछे वो पनौती लग जाएगी. अभी पूरा एक को मारा ना उनका वो जो गैंग.
गैंगस्टर से इट विल कम अंडर सेल्फ डिफेंस ओके गैंगस्टर्स से ठीक है जज साहब कुछ हफ्ते पहले हमारे गांव में एक हाइना घुस आया था और पूरा गांव उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था पर मेरे क्लाइंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर उस हाइना को लोगों से बचाया मेरा बस एक ही सवाल है जंगली जानवर से ये आदमी इतना प्यार करता है तो 5 लोगों का खून क्यों करेगा वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉई अपनी बेटी और खुद की जान बचा रहा था उन 5 गैंगस्टर्स को मारना सिर्फ सेल्फ डिफेंस था योर ऑनर मेरी मांग है कि सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंदर मेरे क्लाइंट को बरी किया जाए इस मामले में प्रस्तुत तर्कों गवाहों और दस्तावेजों का विश्लेषण करने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर पार्थिवन धारा 103 106 के मुताबिक दोषी नहीं है उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है और सम्मानित किया जाता है एक्चुअली दोषी नहीं है सेल्फ डिफेंस सरकार को पार्थिवन के बेचारा वो जेल में था पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रस्ताव देता हूँ वीर पुरस्कार दलन निमृत नडंग ओ कैसे पूछ रहे यार तुम ठीक हो एक नॉर्मल इंसान के साथ इतनी सारी चीजें हो रही है पापा आपने सही कहा था हाथ में गन हो तब भी चलाने नहीं चाहिए दिस इजंट रेसिंग अब सब अच्छे से समझ आ गया मुझे पापा आपको ऐसे मायूस देखने की आदत नहीं है Oh God. अपना अच्छा खासा उसका कॉफी शॉप है अच्छा खासा बेटी को एंटरटेन कर रहा है अच्छा खासा फैमिली चालू हुई हैप्पी लवी डवी नाइस क्यूट ब्यूटीफुल स्वीट फैमिली उसमें ये लोग घुसाए और घुसाए तो घुसाए उसने सारे पैसे दिए भी गुल्लक में से फिर भी नहीं जा रहे कॉफी पी के जाएंगे फिर भी नहीं जाएंगे बिकॉज अभी सीसीटीवी में भी कैप्चर हो चुका है इन तीनों ने देख लिया मतलब ये इन शॉर्ट मारने ही वाले थे इनको ठीक है तो फिर कैसे बचेंगे फिर तो इनको खत्म करना पड़ेगा ही ऑब्वियसली एंड दूसरी चीज जब जा सकते थे तब भी इसको मार बोला तो बेटी के पास गया बेटी के पास बाप के देखते रहेगा बेटी को मारने तक क्या पागल इंसान है बट बहुत साइकोपैथ था उसकी स्माइल उसकी आंखें वो उसके क्लोजअप्स एंड एवरीथिंग और क्या एक्शन सीन था वो नहीं टिश्यू पेपर वाला वो मुंह में रखे थाड़ करके उसको मारा एंड सारे एक्शन सीन्स एक नंबर था एक नंबर इसमें भी बैकग्राउंड में तो कुछ ओल्ड सॉन्ग चल रहे थे आई गेस कॉपीराइट का इशू हो सकता है आई डोंट नो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको जितना एडिट कर सकती हूँ मैं अपने तरफ से करने की कोशिश करूंगी बट ओवरऑल क्या ही सीन था क्या क्या नहीं हुआ देन पिक्चर योर सेल्फ ओके तो वो ये चीजें इसके साथ होगी एंड जब ऐसा टाइम आता है तब सेल्फ डिफेंस में करना पड़ेगा बट फिर भी उसको जेल में रहना पड़ा वो एक ट्रॉमा जैसा ही है वहां पे सारे क्रिमिनल्स होते हैं उन क्रिमिनल्स और शातिर अच्छे खासे क्रिमिनल्स के साथ हमने एक दिन गुजारना एक रात या जब तक भी हो जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक जस्ट बिकॉज हमने सेल्फ डिफेंस में चलाया वो कितना महंगा पड़ सकता है वो जिंदगी भर का ट्रॉमा रह सकता है माय गॉड बट फिर ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं फिर जब हमको सेल्फ डिफेंस करना है तब हम कर क्या सकते हैं फिर आपको कुछ पता है क्या इसके बारे में एंड थलापति विजय का वीडियो है इसको 5,000-6,000 लाइक से कम तो होना ही नहीं चाहिए तो मुझे लगता है लाइक से तो भर ही दो और कमेंट में बताओ मुझे कि पिक्चर योर सेल्फ आप किस तरीके मतलब ऐसा होगा तो सेल्फ डिफेंस आप किस तरीके से करोगे या किस तरीके से करना चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना ये था मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है बाकी परत मियाले सा बाय